दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है कि अक्सर जब भी आपसे किसी खट्टे फ्रूट या वेजिटेबल के बारे में पूछा जाता है तो उस दौरान आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या आप भी वही नींबू, आंवला या फिर आचार से ही संबंधित कुछ सोचते हैं? कमेंट्स में हमें अपने ख्याल जरूर बताएं। वेल, इस सवाल से तो आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं खट्टे सब्जी में से एक नींबू की। दोस्तों नींबू, जो कि विटामिन सी के खजाने का एक स्रोत माना जाता है, यह रसीले नींबू अक्सर इन खेतों का सफर करके हम तक पहुंचते हैं। न केवल इनका रंग और सुगंध आकर्षक होती है बल्कि इसके अंदर कई सारे पोषक तत्व भी शामिल होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक भी होते हैं। नींबू का पेड़ देश भर के कई क्षेत्र में लगाया जाता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें इसका असली घर माना जाता है, जिनमें हमारा देश भारत और उसके साथ मेक्सिको और चाइना शामिल है। नींबू को उगाने के लिए मौसम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ज्यादा नमी वाला सर्दियों का मौसम नींबू के पेड़ों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा नींबू के पौधों को अच्छी तरह धूप और ठंडी हवा की जरूरत भी होती है। उसे उगाने के लिए खेती में कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सही मात्रा में पानी देना और समय पर खाद डालना अच्छी उपज के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। और इसके अंदर मौजूद विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है और सर्दी जुकाम से लड़ने में भी हमारी मदद करता है। इसके अलावा नींबू का रस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी के अलावा नींबू का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए भी होता है। इसका ताज़ा रस सलाद, चटनी या फिर एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा नींबू का रस मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नींबू पानी, लेमन टाइड या फिर लेमन चीज केक बनाने के लिए भारी मात्रा में नींबू को इस्तेमाल में लिया जाता है। आपको नींबू की खेती से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग तक की सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों हो जाइए तैयार नींबू फार्मिंग की इस जानदार प्रोसेस में जान भरने के लिए। दोस्तों नींबू के पेड़ कई सालों से काफी बड़े पैमाने पर उगाए जा रहे हैं और इनकी खेती से कई वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। इनकी हार्वेस्टिंग का तरीका अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। कुछ देशों में इनकी कटाई एडवांस मशीन्स की मदद से की जाती है, तो वहीं कुछ जगहों पर इन्हें वर्कर्स हाथों से सावधानी से तोड़कर अपनी बकेट्स में भरते जाते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ को ध्यान में रखते हुए हल्के हाथों से इन्हें पेड़ से बारी बारी से तोड़कर अलग किया जाता है। इसके अलावा ये वर्कर्स इन्हें तोड़ने से पहले इस बात की भी जाँच कर लेते हैं कि क्या ये ठीक तरह से पक चुके हैं या नहीं। इस काम में इनकी मेहनत जरूर लगती है, मगर इससे नींबू की क्वालिटी पर सीधा सीधा असर भी देखने को मिलता है। इन मोटे मोटे रसीले नींबुओं को ट्रक्स में पलट दिया जाता है। अब जरा इन मशीनों को देखिए। ओवर द रो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग मशीन खेत से नींबू इकट्ठे करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कद में अच्छी खासी ऊंचाई वाली इस मशीन के अंदर बारी बारी करके नींबू के पौधे कवर हो जाते हैं, जिसके बाद सावधानी से अपने शेकिंग आर्म्स की मदद से यह मशीन इन पेड़ों को शेक करके इनसे लेमन्स को नीचे अपनी कन्वेयर बेल्ट पर गिरा देती है। इसकी यह शेकिंग मूवमेंट जनरेट करने के लिए इसमें हाइड्रोलिक मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है। इन मशीन की मदद से काफी कम टाइम में ढेर सारे नींबू इकट्ठे किए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा करते दौरान कुछ नाजुक नींबू के पिचककर खराब होने का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा इससे इन पेड़ों की उपजाऊपन में गिरावट आ सकती है और इन्हीं वजहों के चलते इसका इस्तेमाल काफी कम ही किया जाता है। इसके अलावा इसके हाई कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करना कुछ ही किसानों के बस की बात होती है, इसलिए आज भी इन्हें हाथों से उखाड़ना ही प्रेफर किया जाता है। यहाँ खेतों से इकट्ठा करने के बाद ढेर सारे नींबुओं को ट्रंक्स में रखा जाता है, जहाँ इनका इंस्पेक्शन करने के बाद इन्हें फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है। इस बीच खेत से लोडिंग करने के साथ ही फैक्ट्री में इनकी अनलोडिंग करते दौरान भी इनकी कंडीशंस का खास ध्यान रखा जाता है। आर्म्स को बड़ी बड़ी करके इन सभी ट्रंक्स को मशीनों के द्वारा उठाकर कन्वेयर प्लेटफॉर्म्स में नींबू पलट दिए जाते हैं। खेत में उगाए गए इन नींबुओं का आकार लगभग संतरों के बराबर होता है। इन ढेर सारे लेमन को कन्वेयर के थ्रू इंस्पेक्शन और सॉर्टिंग के लिए आगे भेजा जाता है। क्वालिटी इंस्पेक्शन बहुत जरूरी पड़ाव होता है, क्योंकि यहीं पर नींबू की बेहतर क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है। इसलिए इस काम के लिए खास तौर पर एक्सपीरियंस वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। इस दौरान नींबुओं में से कुछ खुरदुरे छिलके वाले या फिर दागी नींबुओं को अलग कर लिया जाता है। दोस्तों देखिए आखिर किस तरह इन रोलिंग कन्वेयर से गुजरते हुए यह ढेर सारे मोटे मोटे लेमन कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। यहाँ कन्वेयर से गुजरते हुए नींबू को पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है और इसके बाद इन्हें बड़े टैंक्स में पलटकर पानी में भिगोया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान इनमें लगी मिट्टी और बाकी गंदगी पूरी तरह से हटकर साफ हो जाती है। यहाँ तेज प्रेशर वाले वाटर स्प्रेयर्स की भी मदद ली जाती है। इन स्प्रेयर्स को बेहद अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, जिसके चलते पानी का बहाव न बहुत तेज होता है और न बहुत धीमा। अच्छी तरह से धोने के बाद इन लेमन्स को एक बार फिर कन्वेयर पर चढ़ा दिया जाता है।
इसके बाद इन भीगे हुए नींबुओं को सुखाने के लिए एयर ब्लोअर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इनमें डिसइंफेक्टेंट्स का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि इसमें बैक्टीरिया किसी भी तरह की खराबी ना पैदा कर सके, और साथ ही इसके छिड़काव के चलते इन पे लगे किसी भी तरह के पैथोजन और वायरस का भी नामो निशान मिट जाता है। यह देखिए किस तरह इन्हें यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों की मदद से धोया और सुखाया जा रहा है। लगातार घूमते नींबू कुछ देर घूमने के बाद पानी छोड़ देते हैं। इसके बाद एक दूसरे को आगे धकेलते यह लेमन कन्वेयर से आगे बढ़ते हैं, और इस लंबे सफर में लोड पोट करते गुलाटी मारते इन लेमन्स को सिंगल डिवीजन वाली कन्वेयर में अच्छी तरह से सेट कर दिया जाता है। इन गैप्स में सेटल करने का काम भी मशीन की मदद से ही किया जाता है। आप जरा इस मॉडर्न कन्वेयर सिस्टम को एक्सप्लोर कीजिए, किस तरह इस खास कन्वेयर को फंक्शनैलिटी और वर्क मोटिव के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। बारी बारी लेमन्स को इधर से उधर झटकते यह फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है। इन मशीनों को लेमन के साइज, कलर, वेराइटी और क्वालिटी के अनुसार बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी पहचान करने की क्षमता इतनी बेहतर होती है कि यह केवल बाहर के छिलके को नहीं बल्कि नींबू के अंदर मौजूद रसीलेपन का भी एनालिसिस करने में माहिर होते हैं। इसके AI मैनेज्ड सीक्वेंसिंग सिस्टम को खास तौर पर बेहतर क्लासिफिकेशन के लिए भी ऐड किया गया है। लेमन्स की लेजर स्कैनिंग करके मॉनिटर पे दिखाई जाने वाली जानकारी के अनुसार ही इसका सिलेक्शन और रिजेक्शन भी किया जाता है। इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल लेमन के लार्ज स्केल प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में किया जाता है। इसके चलते ही फैक्ट्रीज में कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन संभव हो पाता है। इसके बाद इन पीले पीले नींबुओं को बॉक्सेस में पलटने की तैयारी की जाती है, जहां से कुछ को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा जाता है, और इसके अलावा इसका एक बड़ा हिस्सा होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इन लॉट्स में पैक किया जाता है। दोस्तों, होलसेल मार्केट में भी नींबुओं की भारी डिमांड रहती है, क्योंकि वहाँ कोल्ड स्टोर होने के चलते इन नींबुओं को भारी पैमाने पर खरीद कर स्टोर करने का विकल्प मौजूद होता है, जबकि रिटेल शॉपिंग में कुछ यूनिट नींबू को ही आगे सेल किया जा सकता है और इनकी शेल्फ लाइफ कम मालूम होती है। सैकड़ों से लेकर हजारों किलो नींबुओं को अच्छी तरह से साफ सफाई के बाद इन फैक्ट्रीज से बाहर भेजा जाता है। इन्हें बक्सों में डालते समय भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि इनमें किसी भी तरह की खराबी ना आए या ये नीचे दबकर पिचक ना जाए। इसके बाद ऑटोमेटिक मशीनों की मदद से बॉक्सेस की टेपिंग करके इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा रिटेल सेल में बिकने वाले नींबुओं को जालीदार पैकेट्स में बंद किया जाता है। यह बैग्स अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं, जिसमें लेमन्स को अच्छा खासा एयर फ्लो भी मिलता जाता है, और इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी मैनेज्ड रहता है। यह ड्यूरेबल और इजी टू हैंडल बैग्स अक्सर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं लेमन से बनने वाले सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और मन पसंदीदा ताजे लेमन जूस यानी लेमनेड की, जिसका इस्तेमाल लेमन ड्रिंक्स बनाने के साथ साथ फूड इंग्रेडिएंट्स में सिट्रिक टेक्सचर ऐड करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, ज्यादातर डेजर्ट्स जैसे कि आइसक्रीम में सिट्रस फ्लेवर ऐड करने के लिए बेस इंग्रेडिएंट्स के साथ लेमन का अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि नींबू के छिलकों यानी लेमन पील्स का भी इस्तेमाल कई तरह के स्किन केयर ऑयल्स मैन्युफैक्चरिंग और अरोमा ट्रीटमेंट के दौरान किया जाता है। इसके अलावा जिन भी मोटे ताजे रसीले लेमन्स को जूस बनाने के लिए चुना जाता है, उन्हें बारी बारी जूसिंग मशीन्स में भेज दिया जाता है, जहां मशीनों में सभी नींबू को ऑटोमेटिक स्क्वीजर से निचोड़ लिया जाता है। यहां जूस को एक्सट्रैक्ट करके एक मीठा रसीला और लेमनी टेक्सचर वाला ड्रिंक तैयार किया जाता है। इसके बाद इन्हें बॉटल्स में पैक कर लिया जाता है। यह बॉटल्स तरह तरह के साइजेस और मटेरियल्स की बनी होती हैं, जिसमें से ग्लास बॉटल्स का इस्तेमाल खास तौर पर नींबू को प्रिजर्वली स्टोर करने के लिए किया जाता है। इससे इनकी ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ती है, और इसी का नतीजा है कि इनकी शेल्फ लाइफ भी लंबी होती है। इन्हें ग्लास बॉटल्स में स्टोर करने के बाद बॉटल्स को अच्छी तरह से सील कर दिया जाता है। इसके बाद बारी बारी इन सभी ग्लास बॉटल्स को वाटर स्प्रे से गुजारा जाता है, जहां ठंडा ठंडा पानी इन बॉटल्स के टेम्परेचर्स और क्लीननेस को बेहतर कर देता है। उसके बाद इसमें ब्रांड पैकेजिंग की जाती है और इन्हें फैक्ट्री से बाहर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी लेमन फार्मिंग और प्रोसेसिंग के ऊपर एक जानदार वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ही फार्मिंग और एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और ऐसी गजब की वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।